पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ एमपी कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से एमपी कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in। कहते हैं प्रदेश में सीएम और जिले में डीएम की अच्छी धाक रहती है। अगर ये बेहतर काम करें तो इनकी वाहवाही होती है, अगर ये बेहतरी पर ना चलें तो फिर इनकी थूथू भी होती है। आज हम एक डीएम यानी कलेक्टर साहब की एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो बेगुनाह लोगों को वो बधाई भी बता रहे हैं कि हम सड़कों पर क्यों निकले, वो छांटा मार रहे हैं। हालांकि सरकार ने इनको दंडित किया है, लेकिन इनकी मक्कारी की और इनकी तानाशाही की एक खबर जरूर देखें, एक तस्वीर देखें। और जनता से गुजारिश है कि चाहे वो कलेक्टर हो चाहे वो सीएम हो, अगर गलत करे तो फिर भरपूर लिखो उसके खिलाफ, क्योंकि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, जो गलत करेगा उसकी जमकर मजम्मत होनी चाहिए और जो अच्छा करे उसकी दिल खोल कर तारीफ होनी चाहिए। तो इन कलेक्टर साहब के बारे में जरा लिखो कि ये कैसे बेगुनाह लोगों को सरेराह चांटा मार रहे हैं। खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज। पहले मोबाइल तोड़ा, फिर थप्पड़ मारा, जब इतने से गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पुलिस से कहा कि मारो यह आतंकवादी है, लाठियां मारो, यह सड़क पर जो निकला है यह कलेक्टर साहब है जिनका गुस्सा सातवें आसमान पर है, इन्हें कानून की कोई परवाह नहीं। यह लड़का कहता जा रहा है कि वह वैक्सीन लगवाने जा रहा है, उसके पास दवाई का पर्चा भी है, उसे दवाई भी लेना है, लेकिन साहब को कुछ भी सुनना मंजूर नहीं था। उन्होंने मनोवाज तय किया था कि जो मिलेगा बिना पूछे उसे थप्पड़ रसीद जरूर करेंगे। यह तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की हैं, जहां के कलेक्टर रणवीर शर्मा का यह कुकृत आप जरा देख लें। आप कलेक्टर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सड़क आपकी है। सभी अधिकारी सुन ले, सड़क किसी के बाप की नहीं है, आप कानून के रखवाले हैं, आप कानून की रखवाली करने के लिए बैठे हैं, कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें। कोरोना काल के लॉकडाउन में जनता के साथ इतने जोर जुल्म हुए हैं कि हिसाब किताब लगाना मुश्किल है। अगर कोई परेशान बीमार आदमी दवाई लेने जा रहा है या कोई सामान लेने जा रहा है तो उसे क्या इस कदर थप्पड़ मारेंगे? प्रशासन और सरकार को सोचना चाहिए। यह कुछ कलेक्टर वगैरह सोचते हैं कि जिला अपना है। खबरदार, जनता से बड़ा ना कोई कलेक्टर होता है, ना कोई मुख्यमंत्री होता है, ना कोई प्रधानमंत्री होता है। आफत के दौर में जनता पर पावर का नाजायज इस्तेमाल करके ऐसे ही लोगों को मारा गया है, पीटा गया है। जब सोशल मीडिया में कलेक्टर साहब की गुंडी आई, यह वीडियो वायरल बनकर वायरल हुई। भगवान आपके सामने।
तो उसके बाद सरकार और प्रशासन की थू-थू होने लगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ट्वीट कर यह जानकारी देनी पड़ी कि हमने कलेक्टर को हटा दिया, उन्हें मंत्रालय अटैच कर दिया गया है। लेकिन इस तस्वीर के आने के बाद तमाम अधिकारी यह देख लें और जनता भी अच्छे से समझ ले, अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी होती है तो ऐसे ही वीडियो बनाकर डालो कैसे सरकार कार्रवाई नहीं करती है। जनता आपके साथ है, यानी देश आपके साथ है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।